कमेटी के कोई बिल लो तो कह देंगे हमारे पास पैसे नहीं है। प्रधान जी को गुमराह करते हैं, बड़े थे 8 करोड़ पहले पूरे हाउस को गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल भी मार कुछ भी नहीं पता नगर पालिका अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या पिछले 3 महीने भी टेंडर लगाने की बात कर रहे हैं। और सारे कानून इतनी अच्छी है, इन्हें कोई भी बाजार में कुछ नहीं देता, हमें भी ये ऐसा कर रहे हैं। हमें बजट में बताया गया था 7.5 करोड़ रुपए पड़ा है, ऊपर सीएम से हमें पता लग रहा है 13 करोड़ रुपए पड़ा है, हमें पता ही नहीं कितना पड़ा। तो ये कौन खा रहा है पैसा? ऐसे ये बता ही नहीं रहे, पैसा इनके पास एक एक साल की इनकी तनख्वाह एडवांस में है, ये कहते हैं वो तनख्वाह रखी हुई है, हमने पैसा नहीं है इनके पास। कोई टेंडर के तो इनको टेंडर ही टाइम सर लगता है, उसके बाद बिल के टाइम सारे है। वर्क ऑर्डर इतने दिन हो गए, 4 तारीख का टेंडर खुला हुआ, अब तक उनका वर्क ऑर्डर नहीं जा रही है। सेक्रेटरी की एमबी सी नहीं बनती, उस चक्कर में सारी डेवलपमेंट रोक रखे, सारे बिल रोक रखे, सारे शहर का विकास कोई काम करके राजी नहीं। इलेक्शन ईयर है, इनका कुछ नहीं जाएगा, सरकार का नुकसान होएगा, और ये सरकार को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, पैसा पड़ा 13 करोड़ रुपए, बीजेपी की बेइज्जती करवाना चाहते हैं ये लोग डेवलपमेंट ना करा के। और आपको पता भी पीछे से आपदा आई थी कि बाढ़ ग्रस्त चारों पास पानी हो गया था, उस दौरान कोई नगर पालिका को जैसी भी मशीन नहीं प्रोवाइड हो रही थी, कोई नगर पालिका का नाम सुनते मना कर रहे थे, भाई साहब ने अपने बिहाव पे अपने रसूख पे जेसीबी वाला ला दिया, वो आज तक धक्के खा रहे हैं इस बात के कि हाँ मेरी पेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो। उस टाइम इन लोगों का ये कहना था भी बुलाओ पैसे हम साल के साथ देंगे, लेकिन नहीं, आज ये लोग बुक नहीं है जी, फलाना बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जितने शहर में जाकर नुकसान, एमसीएल ने शहर को बचा के नुकसान कर लिया क्या? बिल के टाइम कानून इनको याद आ जाते हैं, ये कानून जी, ये कानून जी, बिल के टाइम इनको ये। नगर पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय पेहवा में वार्ड में काम न होने को लेकर जताया रोष, कहा अधिकारी कर रहे हैं गुमराह, नहीं करते हैं काम। बता दें कि नगर पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय पेहवा में वार्ड में काम न होने को लेकर रोष जताया है। वहीं सभी नगर पार्षदों ने नगर पालिका के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उनके काम भी नहीं करते। मौके पर पहुंचे नगर पालिका के चेयरमैन आशीष चक्रपाणी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगर पार्षदों द्वारा जो मांग रखी गई है वह बिल्कुल जायज है और अधिकारी काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि अधिकारी नगर पार्षदों व उनको भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा अधिकारियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन व कार्यशैली को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी अपने आलस के चलते काम नहीं कर रहे हैं और अगर उनसे कुछ पूछा जाता है तो वह उनको गुमराह करते हैं। वहीं नगर पालिका के सचिव ने कहा कि वह काम कर रहे हैं और टेंडर भी लगा दिए गए हैं और जो टेंडर खुल चुके हैं उन पर जल्द भी काम शुरू कर दिया जाएगा। जिस ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया है उसको नोटिस भी जारी किया जाएगा। निकम्मे बिल्कुल एक का बिल था, अकाउंटेंट कह रहा है ये तो अभी तो 2 महीने और लगेंगे, इसको 2 महीने बाद होएगा ये। मैं 2 महीने क्यों होंगे, सबके साइन हो गया, सबके हो गया, कह रहा है ये तो 5,000 से ऊपर है। और दूसरा कोई आवारा पशु यदि कहीं मृत हो जाता है उसके उठाने की नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ठेकेदार है वो कहता है पहले पैसे दो, पैसे कौन देता है, एमसी अपनी जेब से पैसे देते हैं, नाम किसका होता है कि नगर पालिका उठवारी है। और नगर पालिका वाले ने आज तक उसके पैसे नहीं दिए और वो अभी भी निराश बैठा हुआ है। वो आज भी हमारे एक एमसी ने कहा कि दो गाय उठानी है और उसने साफ साफ मना कर दिया कि अगर आप पैसे दोगे तो मैं उठाऊंगा। तो ये क्या कारण जो पेमेंट नहीं हो रही है? इनका निकम्मा बने, आपस में मतभेद है, आपस में मतभेद है, ये आपस में बिल्कुल आपस में शहर की डेवलपमेंट जीरो है और बीजेपी इसी कारणों से शहर का विकास रुका पड़ा है। छोटे छोटे टेंडर लगे थे, छोटे छोटे टेंडर लगे थे शहर में जो 4 तारीख को खुले थे, 4 तारीख के खुलने के बाद भी आज तक उन्होंने वर्क ऑर्डर नहीं मिला कि कार्य शुरू हो सके। मरी पड़ी है, नहीं बोल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
एमसी द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है ये निश्चित रूप से जो है कुछ है व्यवस्था है ऑफिसर्स के लेवल पे जिसके विरोध स्वरूप जो है हमारे एमसीओ ने अपनी जो है रोष प्रकट किया है, तो इसको सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। और जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो बड़े सार्थक मुद्दे हैं, बिल्कुल ठीक मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। तो अफसरों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की और कार्यशैली को बदलने की आवश्यकता है। तो ये जो अफसर हैं ये मंत्री से ऊपर हो गए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं? देखिए ये मंत्री से ऊपर है क्या है इस विषय में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अफसरों को अपनी कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है, उनको अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए ताकि ये इस प्रकार की अव्यवस्था जो है जो कि शहर में अफसरों की कार्यशैली की वजह से उत्पन्न हो रही है ये ना हो और ऐसी परिस्थिति जो है उसमें ना हो। जिस प्रकार से एमसीओ प्रदर्शन किया तो ये भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं सारे? भ्रष्टाचार के विषय में मैं नहीं कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार नहीं, ये अफसरों की सुस्ती और अफसरों की जो है कुछ लापरवाही जो है इसके अंदर सामने या आपसी आना कर। तो ये मुद्दा जो हुआ है तो आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे इसके ऊपर, तो इनकी जो समस्याएं हैं तो इसको लेकर क्या कहेंगे जी आप? देखिए इनकी समस्याएं एमसी की बिल्कुल जेन्युइन समस्याएं हैं, जो भी इन्होंने बिंदु उठाए हैं वो बहुत अच्छे बिंदु उठाए हैं और इस पर जल्दी से जल्दी जो है अफसरों को इनका संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से अपनी कार्यशैली परिवर्तित कर उसमें चुस्ती लानी चाहिए और ताकि शहर के विकास काम जो हैं वो अच्छे ढंग से हो सके। क्या अधिकारियों पर गाज गिरेगी इस बात की? ये अधिकारियों पर गाज गिरने का जो सवाल है ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आएगा, तो उस विषय में जो भी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारी करेंगे, तो उस विषय में मैंने कुछ कह सकता कमेटी के कोई बिल हो तो वे कह देंगे हमारे पास पैसे नहीं है। प्रधान जी को गुमराह करते हैं, पड़े थे 8 करोड़ रुपए पहले के पूरे हाउस को गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल भी मार का कुछ भी नहीं पता नगर पालिका अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या फंड पड़े क्या नहीं पड़े पिछले 3 महीने कोई भी टेंडर लगाने की बात कर रहे हैं और सारे कानून हमारे यहाँ की मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी है इसलिए कोई भी बाजार में कुछ नहीं देता, हमें फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं। हमें बजट में बताया गया था 7.5 करोड़ रुपए पड़ा है, ऊपर सीएम से हमें पता लग रहा है 13 करोड़ रुपए पड़ा है, हमें पता ही नहीं कितना। तो ये कौन खा रहे जी पैसा? पैसा ये बता ही नहीं रहे, पैसा इनके पास एक एक साल की इनकी तनख्वाह एडवांस में है, ये कहते हैं वो तनख्वाह रखी हुई है, हमने पैसा नहीं है इनके पास। कोई टेंडर के तो इनको टेंडर ही टाइम सर लगता है, उसके बाद बिल के टाइम सारे है, वर्क ऑर्डर इतने दिन हो गए, 4 तारीख का टेंडर खुला हुआ, अब तक उनको वर्क ऑर्डर नहीं जा रही है, सेक्रेटरी की एमबी सी नहीं बनती, उस चक्कर में सारी डेवलपमेंट रोक के सारे दिन रोक रहे हैं, कोई काम करके राजी नहीं, इलेक्शन ईयर है इनका कुछ नहीं जाएगा, सरकार का नुकसान होएगा, और ये सरकार को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, पैसा पड़ा 13 करोड़ रुपए, बीजेपी की बेइज्जती करवाना चाहते हैं ये लोग डेवलपमेंट ना करा के। और आपको पता भी पीछे से आपदा आई थी कि बाढ़ग्रस्त चारों पासे पानी हो गया था, उस दौरान कोई नगर पालिका को जैसी भी मशीन नहीं प्रोवाइड हो रही थी, कोई नगर पालिका का नाम सुनते मना कर रहे थे, भाई साहब ने अपने बिहाव पे अपने रसूख पे जेसीबी वाला ले दिया, वो आज तक धक्के खा रहे हैं इस बात के कि हमें रिपेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो। उस टाइमिंग लोगों का ये कहना था बुलाओ पैसे हम साल के साथ देंगे, लेकिन नहीं, आज ये लोग बुक नहीं है जी, फलाना बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जितने शहर में शहर को बचा के नुकसान कर लिया क्या? बिल के टाइम कानून इनको याद आ जाते हैं, ये कानून जी ये कानून जी बिल के टाइम इनको ये टेंडर लगाने वास्ते मिनिस्टर बिंदा को आदेश दे दिए, शीघ्र ही सभी काम हो गए टेंडर लगा दिए। तो बताया जा रहा टेंडर तो खुल भी चुके लेकिन काम नहीं शुरू हो रहा, क्या है? जो काम शुरू नहीं हो रहे हैं ठेकेदार को नोटिस दिया जा रहा है। तो बताया जाए पेमेंटें बहुत टाइम से इनकी रुकी हुई है, ऐसा क्या है जो पेमेंटें नहीं पास हो रही है? हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है, बरसात के दिनों में जो बिल आए थे जेसीबी वगैरह के आने थे उनको हाउस की मीटिंग में रखा गया है, जैसे अनुमति प्रदान होगी। तो आप और क्या प्रतिक्रिया देंगे जिसका वजह एमसीओ ने अपना काम रोक दिया गया है? कोई काम नहीं रोका, एमसी साहब काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, मीटिंग से बहिष्कार कर रहे हैं, मीटिंग से बहिष्कार कर जो बहिष्कार कर दिया नहीं हो मीटिंग शांतिपुर नहीं नहीं बहिष्कार हुआ है मीटिंग से, बोलो बाकी हमारे प्रधान जी बताएंगे।